नहीं भाई, आज जो हमारा बाहर खाना बनाने का मूड था कि सुबह से मौसम बड़ा अच्छा था, मैंने सोचा था बाहर बनाऊंगा खाना, तो अब ये जो है बारिश ने सारा काम चौपट कर दिया। क्या बात है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट इमरान, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब फूड चैनल खाओ पकाओ। भाई अभी आपने जैसे देखी नहीं है, छोटी सी वीडियो मैंने दिखाई है 15-20 सेकंड की, इतनी कोई शदीद बारिश हुई है कि आज प्लान जो था वो था कि बाहर जाके यू नो बैकयार्ड में बारबेक्यू करेंगे ज़बरदस्त सा, लेकिन बारिश ने सारा प्लान जो है वो चेंज करवा दिया। तो मैं जैसे बता चुका हूँ कि कुछ बारबेक्यू हो रहा है, तो इसका मतलब बारबेक्यू डिश है। डिश कौन सी है? आजकल कोई सा भी सोशल मीडिया आप उठा लीजिए, ठीक है, या कोई सा भी मीडिया उठा लीजिए, पेपर मुझे नहीं पता कि पेपर मैं नहीं देखता, एक ही बंदा है जो छाया हुआ है और वो है अर्तुरुल भाई, ठीक है। तो हमने भी सोचा कि यार इसके अंदर थोड़ा सा हम भी कार्य खैर में अपना हिस्सा डालें, तो आज हम बनाएंगे तुर्किश चिकन कबाब, यू नो वही अर्तुरुल के हवाले से। अच्छा, ये फ्यूजन है, मतलब कुछ तुर्किश ओरिजिनल जो तुर्किश कबाब्स होते हैं चिकन के, कुछ वहाँ से मैंने लिया है, एक दो दोस्त हैं तुर्किश, उनसे यू नो कुछ डिस्कशन करके और थोड़ी सी फ्यूजन की है अपने दो तीन मसालों की, तो उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगा। अच्छा जी, अब शुरू करने से पहले एक चीज़, ये जो बारबेक्यू है ना, ये किचन के अंदर होगा, ठीक है, ये है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आज की, ठीक है, तो इसको मिस नहीं कीजिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम चिकन पे जो है वो नमक, लहसुन और लेमन लगाएंगे। मैं ज़रा एक ग्लव पहन लूँ, आमतौर पर मैं ग्लव नहीं पहनता हूँ ये मसाले वसाले के लिए, हाथ धो के यू नो बस मैं यूज़ करता हूँ, लेकिन कल थोड़ी गार्डनिंग कर रहा था तो यू नो कुछ लग गया है। अच्छा जी, अब ये चिकन मैंने लिए, चिकन जो है ये आधा किलो है, तकरीबन 500 ग्राम। अब इसके अंदर ही मैंने डाला नमक, नमक के बाद लहसुन, और लहसुन के बाद ये हाफ लेमन जो है ये मैंने इसमें लाइम, ये उर्दू मीडियम लोग हैं भाई, ये लाइम और लेमन के चक्कर हमें समझ नहीं आते। अच्छा जी, ये हो गया इसमें, और इसको अब मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगा, और मिक्स करने के बाद इसको हम आधे घंटे के लिए रख देंगे। अब अपने मैरिनेशन का मसाला तैयार कर लें, तो मैरिनेशन के अंदर जो है वो मैंने दही लिया है, तो उसमें थोड़ा सा दूध डाला है। क्वांटिटीज़ की फिक्र नहीं कीजिएगा, क्वांटिटीज़ डिस्क्रिप्शन के अंदर डिटेल इंग्रेडिएंट एंड क्वान्टिटी मौजूद है। अच्छा, अब मैं इसमें क्या डालना हूँ, अब मैंने इसमें डाला है जनाब अली पिसा हुआ ज़ीरा, ये भुना हुआ ज़ीरा नहीं है, ठीक है, हल्दी, हाँ हाँ क्या प्यारा स्प्लैश हुआ, और ये डाली लाल कुटी मिर्च, उसके बाद ये है इलायची। अच्छा जी, और ये तो हमने किया मिक्स। चलिए, और इसमें ये गया सुमक, नमक इसमें हमने नहीं डाला क्योंकि नमक हमने जो है वो अपनी चिकन में ऐड कर दिया। वाह, और इसके बाद इसके अंदर ये है जनाब अली मोज़रेला चीज़, इसको हमने मिक्स किया, और आधा घंटा जब हो जाएगा तो हम अपनी चिकन को इसके अंदर मिक्स कर देंगे। जनाब अली, आधा घंटा हो चुका है, तो आप चिकन जो है वो जाएगी मसाले के अंदर। इस आधे घंटे के अंदर मैंने अपने दो तीन दूसरे काम कर दिए, यू नो यही ज़रा बारिश हुई है तो देख लिया कि सब जगह सेट है, फ्लो वो पानी जा रहा है कहीं, यू नो बेसमेंट के अंदर भी यहाँ पानी के बड़े चक्कर हो जाते हैं। अच्छा, आपने आधे घंटे में क्या किया भाई, कुछ किया, काम किया जो हमारा था? नहीं, लो हमने बताया है भैया, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, भाई ने आपके लिए बनाए सारे अकाउंट्स, फॉलो कीजिए, ठीक है। चलिए जी, अब मैं चिकन को मिक्स करता हूँ इसके अंदर। ये चिकन तो हम इसमें डालेंगे क्योंकि इसमें हमने सारा, हाँ हाँ हाँ, और ये जूस एक्चुअली है जो कि है लेमन, लाइम का। ये मेरी बेटी को पता था कि मैं लेमन बोलूँगा, पहले से मुझे बता रही है कि पापा लाइम। जी, लास्ट रेसिपी का पार्ट वो है ओलिव ऑयल, 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून,
ऑलिव ऑयल मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसको रख देंगे दोबारा से फ्रिज में। अच्छा जी, इम्पॉर्टेंट सवाल यह है कि इसको रखना कितनी देर है। जी अगर आपने ओवरनाइट रखा ना तो मतलब भैया आप बोलेंगे कि यार इमरान क्या कोई रेसिपी बता दी ना, मत उद्धम किसेंगे। आप ओवरनाइट अगर नहीं रख रहे तो भी बोलना यही है, ठीक है। 8 घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे, कम से कम 2 घंटे, मैं रख रहा हूँ 4 घंटे के लिए। और अगर 2 घंटे से भी कम में रखना है तो यार फिर कुछ और बना लें। बड़ी रेसिपीज मैंने डाली हुई हैं यूट्यूब पे, कुछ और बनाएं, लेकिन ये मैरिनेशन का जो आइटम है ना इसको कम से कम 2 घंटे तो छोड़ें, वरना मज़ा नहीं है, ठीक है जी। तो मिलते हैं 2 घंटे के ब्रेक के बाद। अच्छा जी, 4 घंटे हो चुके, बहुत सारी चीज़ें निमट गई और निकाल लिया मैंने बाहर चिकन को जो मैरिनेट हो गई थी। अब इसको मैं लगाऊंगा सीखों में। सीखों में लगाने से पहले मैंने जो चीज़ बताई थी आपको कि आज का जो बारबेक्यू है वो किचन के अंदर है, तो वो तमाम ख़वातीन हज़रात जिनको यू नो थोड़ा होता है कि यार बाहर अंगीठी पे बनाना है, ज़्यादा है कम है, तो उनके लिए बड़ा आसान है, सिंपल हम किचन के अंदर दिखा दूंगा मैं आज के कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो पहले तो मैं दिखाता हूँ किचन के अंदर हम कोयले कैसे सुलगाएं। आ जाइए, ये पुराना तरीका अपना, ख़ासतौर पर हम पाकिस्तान कराची के अंदर जब बनाते थे तो कोयलों पर, वहाँ पर तो यहाँ यू नो कैनेडा की तरह जिस तरह से मिल जाती हैं चीज़ें, लाइटर्स वगैरह ये बर्निंग फ्यूल वो नहीं होता था, तो पेट्रोल छिड़को, पेट्रोल छिड़क के नहीं तो फिर यू नो आसान देसी नुस्खा ये था कि पहले चूल्हे के ऊपर कोयलों को सुलगाओ और उसके बाद फिर अंगीठी में डालो। तो अपने चूल्हे पे अब ये सुलगा रहा हूँ, इसके बाद मैं इसको डालूंगा अंगीठी में नहीं पतीली के अंदर। कोयले आप देख रहे हैं पीछे चल रहा है हिसाब किताब, आप जब तक मैं सीखे भर लूँ। सीखे भरने का एक मैं उसूल बता दूँ, ऊपर ला बेटा पहले मुझे लिखा कि सीखे भरने का, यानी जब मैंने ये काम सीखना शुरू किया था बारबेक्यू का और जब मैं पहले दिन ये भर रहा था तो उस्ताद ने जो हमें बताई थी बात, फारूक उस्ताद अल्लाह जन्नत नसीब करे उन्हें, उन्हें कहा पहला उसूल ये बेटा कि जो बोटी भी हाथ में आएगी वो सीख में लगेगी, वापस नहीं जाएगी, ठीक है, चाहे छोटी हो, बड़ी हो, मोटी हो, जैसी भी हो, वरना आखिर में क्या रह जाता है, आमतौर पर हम देखते हैं कि छोटी छोटी सी बोटियाँ रह जाती हैं। तो अब आप दिखा दीजिए, यहाँ पर गैप दे के थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा मिला के नहीं लगाना। तो जितनी देर में मैं ये भरता हूँ, आपने अगर वाला काम नहीं किया हुआ तो वो काम कर ले। चलो सीखे भर गई हैं, अब ये जो एक्स्ट्रा मसाला है ये हम इसके ऊपर इस तरह से लगा देंगे और जो इसके बाद भी बच जाता है उसको फेंकना नहीं है। इसमें आप सिंपल पैन में डाल के हल्के से ऑयल के साथ उसको फ्राई कर लें, ज़बरदस्त वाला मसाला बन जाएगा जी। अब जो कोयले मैंने पहले चूल्हे पे दहकाए थे उसके बाद उसमें मैंने मज़ीद कोयले डाल के ये अपनी पतीली के अंदर रेडी कर दिया। इसको पतीली को ही मैंने अंगीठी बना दिया है और ये आ गई मेरी सीखें और इस पर अब हम सेकेंगे मज़े मज़े से। कोई टेंशन भी नहीं है कि बाहर करना है, बाहर बर्फ़ है, पानी है, धूप है, किचन के अंदर मज़े से। अच्छा अब मैं एग्जॉस्ट चलाने वाला हूँ क्योंकि एग्जॉस्ट के बगैर यहाँ पे तो फायर अलार्म बज जाएगा, तो आप भी बेहतर ये है कि एग्जॉस्ट चला के काम करें। अच्छा जी, जितनी देर में अंदर यू नो सिकाई हो रही है क्योंकि बहुत हल्की आँच है तो मैं ज़रा बाहर आ गया था, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जब आपकी बारबेक्यू कंप्लीट हो जाता है तो जो भी आप हांडी कढ़ाई आप लेंगी उसके अंदर पानी नहीं डालना है, उस पर ढक्कन लगा दीजिए और ढक्कन लगाने के बाद जो है यू नो उसको बस छोड़ दीजिए ओवरनाइट के लिए, वो खुद ही कोयले शोले जो हैं, ये हमारी नूरी आ गई, नूरी, तो वो खुद ही कोयले जो हैं वो राख बन जाएंगे एंड देन यू जस्ट थ्रो आउट एंड वॉश योर डिश, ठीक है भाई। चलिए ये एक साइड हो गई, आई मीन हुई नहीं है लेकिन थोड़ी थोड़ी सी, तो हम पूरा तो नहीं पकाते, आधा किया फिर साइड बदली, फिर आधा किया फिर साइड बदली, तो अब ये मैंने इसकी साइड चेंज की है और खा के देखा है मैंने, बहुत यमी बनी और ये जो चीज़ का जो एक फ्लेवर आ रहा है ना इसके अंदर
बारबेक्यू होने के बाद। ओह माय गॉड, अमेजिंग। चले जी, अब मैं ये पूरा फिनिश करके फिर आता हूँ आपके सामने। रेसिपी कंप्लीट, बहुत मज़े की है। बच्चा पार्टी बेगम साहिबा तो शुरू हो चुके हैं, अब हम ज़रा ये फिनिश करेंगे, हम और हमारी बेटी, फिर हम जाके जो है वो खाएंगे। देखिए वहाँ बैठ के खा रहे हैं लोग। अच्छा जी, जाने से पहले आज की बात जो है वो अर्तुरुल के हवाले से ही है। अर्तुरुल का एक बड़ा मशहूर करेक्टर, बल्कि अर्तुरुल क्या मतलब इस्लामी हिस्ट्री का एक बड़ा ज़बरदस्त करेक्टर इब्न अरबी, तो उन्होंने उस ड्रामे के अंदर ये बात कहीं कही, मैंने पूरा तो नहीं देखा, थोड़ी सा ही देखा है, लेकिन यू नो बढ़ा बढ़ा के कभी कोई सी केस, कभी कोई सी एपिसोड ये या उसका सीज़न। तो एक जगह वो कह गए भैया कि दुनिया में हम जितने लोग हैं सबका इम्तिहान होना है, ठीक है, और इम्तिहान अलग अलग होगा, एक साथ नहीं होगा। और मज़े की बात यह है कि सबके इम्तिहान का जो सिलेबस है वो भी मुख्तलिफ है एक दूसरे से, लेकिन इम्तिहान देने वाला एक ही है। बहुत खुश रहिए, अल्लाह आपको अच्छा खाना खाने और अच्छा खाना खिलाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।